नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। उत्तर प्रदेश में अब इमरजेंसी पुलिस मदद चाहिए तो 100 की जगह 112 नंबर डायल करना होगा। 26 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश पुलिस के इमरजेंसी हेल्पलाइन 100 नंबर को 112 नंबर में बदल दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 सितंबर को देश की पहली एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की थी। उन्होंने चंडीगढ़ में सबसे पहले इमरजेंसी सेवा लॉन्च की थी। एम्बुलेंस, फायर और पुलिस के अलग अलग नंबर याद रखने की जगह अब सिर्फ एक ही नंबर 112 यानी 112 से सभी इमरजेंसी सेवाओं की मदद ली जा सकेगी। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत 112 कॉमन नंबर से डायल 100 यानी पुलिस, 101 यानी कि दमकल और 108 यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ दिया गया है। अब तक इमरजेंसी मदद के लिए 20 से अधिक आपातकालीन नंबर चल रहे थे। सितंबर में दिल्ली पुलिस का डायल 100 भी बदलकर 112 हो चुका है। दिल्ली में 25 सितंबर को 112 नंबर लागू हुआ था। सभी इमरजेंसी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर और पुलिस की मदद के लिए अब 112 नंबर डायल करना होगा। अब आएंगे इमरजेंसी ऐप। बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर को 112 इमरजेंसी सर्विस सेवा का ऐप भी जारी किया जाएगा। उसका एक एप्लीकेशन होगा, इंटरनेट एप्लीकेशन। एम्बुलेंस सेवा के 108, विमेन पावर लाइन के 1090 और CM हेल्पलाइन को भी 112 के साथ जोड़ दिया जाएगा। 112 सेवा में संबंधित इलाके के प्रभारी निरीक्षक द्वारा कार्यवाही पूरी करने के बाद ही उनके द्वारा ही पीड़ित की कॉल क्लोज की जाएगी। अभी तक मौके पर मौजूद पुलिस वाले ही कॉल को क्लोज कर देते थे। अब सवाल उठता है कि 112 112 ही क्यों? भारत के अलावा दुनिया भर के तकरीबन 80 देशों में आपात सेवा का नंबर 112 ही है। 1972 में यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑफ पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन CEPT ने 112 नंबर को आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर बनाया था। टेलीफोन में 112 नंबर डायल करने में सबसे कम समय लगता है। जब यूरोपियन देशों में 112 को इमरजेंसी नंबर बनाया गया था तब चलते थे चकरघिन्नी वाले फोन, वो जिसमें ऐसे घुमा घुमा करके फोन करते थे, वही जिनमें उंगली फंसा के डायल करते थे। उस वक्त इसे इसलिए इमरजेंसी नंबर बनाया गया था क्योंकि ये डायल स्ट्रोक में सबसे कम समय लेते थे, मतलब घूमने में सबसे कम टाइम लेते थे। भारत में कुछ मोबाइल पावर बटन पैनिक की सुविधा भी देते हैं। इसमें होता यह है कि मोबाइल का पावर बटन लगातार 3 बार जल्दी जल्दी दबाने से पैनिक कॉल अपने आप एक्टिव हो जाती है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर को सूचना मिल जाती है। सरकार अब जिन ऐप्स को लाने जा रही है उससे अब लोग मोबाइल के अलावा सोशल मीडिया, ईमेल और SMS के जरिए भी डिस्ट्रेस कॉल कर सकेंगे। तब तक 100 नंबर भी चलता रहेगा। इन सब के इतर लोगों की सुविधा को देखते हुए बताया ये जा रहा है कि लोगों को 112 नंबर से परिचित होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से 100 डायल भी शुरू रहेगा, उस पर भी कॉल रिसीव होती रहेगी, उस पर भी आपको जवाब मिलेगा। माने कि अभी तत्काल 100 नंबर बंद नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, ये मजेदार बात है। सोशल मीडिया पर लोग आड़ी तिरछी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस भाजपा सरकार के पास कोई काम वाम तो है नहीं, योगी जी बिना मतलब ये सब कर रहे हैं, पहले नाम बदले अब नंबर बदल रहे हैं। कुछ लोग कुतर्क को 2 कदम और आगे बढ़ा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी सरकार हमेशा 2 कदम आगे चलती है, इसलिए 100 नंबर में 2 नंबर भी जोड़ दिया गया है। हालांकि इन सारी बातों का कहीं कोई तुक है नहीं, फिर भी बोलने वाले हैं तो बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा क्या है वो भी जान लेते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं के लिए सिंगल नंबर 112 के लॉन्च होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और दूसरी एजेंसियों के रिस्पॉन्स टाइम में काफी कमी आएगी और सेवाओं में बेहद सुधार आएगा। नया सिस्टम डिस्ट्रेस कॉल को पहले से तेज और पहले से कहीं अधिक तेजी से संबंधित विभाग तक पहुंचाएगा। लोग 112 नंबर पर डायल करने के अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी आपदा में फंसे होने का संदेश पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और 1, 2, 3 नवंबर आने वाले महीने की 1, 2, 3 तारीख को लल्लन टॉप अड्डा लग रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यहीं दिल्ली में है, बगल में ही मेट्रो स्टेशन है। आराम से आइए, 1, 2, 3 तारीख याद रखिए, खुद भी आइए, लोगों को भी लाइए। खूब झमाझम बवाल कटेगा, खूब मौज मजा होगा, खाना पीना, कहानी लिखना, कहानी कॉम्पिटिशन है। आइए, दोस्तों को भी लाइए। 1, 2, 3 तारीख इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स दिल्ली।